हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिन्मय जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआरजी व्लॉग्स। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब क्लिक लाइक बटन, थैंक यू। अभी हम मेरे फ्रेंड के घर पे हैं। हमारा कुछ दिन से कुछ प्लान चल रहा था कहीं तो भी जाने का, सो हम वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं हम थोड़ी देर के बाद बताते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वो दो दिन का प्लान है और आज का वेदर भी बहुत प्लेजेंट है, सो ऐसा ही वेदर रहे तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ दो लोग हैं, उसमें से एक है आशुतोष और जो दूसरा है हमको बाद में मिलेगा, तो उसको हम बाद में लेते हैं। तो चलो चलते हैं। हमें लोकेशन पर पहुंच गए। हमारा लोकेशन नागपुर रेलवे स्टेशन। हमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं शेगा। एक्चुअली रिसेंटली एक हफ्ते पहले हमारा प्लान बना था कि वीकेंड में कहीं तो भी जाते हैं, तो हमने सोचा कि शेगा चल जाते। स्टेशन के बाहर खड़े हैं, अभी अंदर जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। हमारी ट्रेन 10:50 की है और अभी बज चुके 10:15, तो अभी अंदर जाते हैं फिर देखते। में जो दिख रहे हैं वो पूरे विदर्भ के टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपको पूरे दिख रहे होंगे लास्ट में। प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। हमारी जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएंगी, तो हम उसकी तरह हम जा रहे हैं। 10:50 की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन आने का। ट्रैवल तो किया था लेकिन ब्लॉग नहीं किया था, सोचा एक ब्लॉग किया जाए। तो ब्लॉग कर रहे हैं, होप सो यू एंजॉइंग इट। महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो ये ट्रेन है वो डेली चलती है नागपुर टू पुणे। शेगाव के लिए जाने के लिए बेस्ट ट्रेन आई थिंक नागपुर से। तो रिजर्वेशन भी मिल जाते हैं और एक अच्छी ट्रेन भी है और ट्रैवल टाइम इसका 5 आवर्स है और इसके 9 हॉल्ट्स है। स्टेशन पर होने के कारण साउंड क्वालिटी में ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट टाइम कर रहा तो एंजॉय भी कर लेना। सामने में दिख रही हो प्रेरणा एक्सप्रेस है। सो इसके बाद हमारी जो ट्रेन है महाराष्ट्र एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है, ये ट्रेन जाने की। तो जो हमारा जो थर्ड फ्रेंड था वो आ चुका है अथर्व। अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और निकल रहे हैं भी आगे। बैठ चुके हैं नागपुर टू शेगाव। ट्रैवल करने के लिए बेस्ट ट्रेन है क्योंकि वीक में एवरीडे चलती है, रिजर्वेशन भी मिल जाता है। हमारा खुद 1 हफ्ते पहले प्लान बना शेगाव जाने का, हमने चेक किया ICTC पे तो हमको रिजर्वेशन भी मिल गया। वॉशरूम से आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे जो टॉयलेट था वो खुद क्लीन था और साथ साथ ट्रेन भी बहुत क्लीन है। बहुत इज द बेस्ट पॉइंट। एंड अगर हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रेन और टॉयलेट अगर क्लीन नहीं होगा तो हमको कंफर्टेबल होगा।
क्रॉस कर दिया और इसके बाद अकोला के बाद में हमारा स्टे आएगा। शेगा जंक्शन आप अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी ये ब्लॉग अभी यहाँ पे खत्म होता है। होप सो आपने ट्रेन का ब्लॉग फर्स्ट टाइम क्या एंजॉय किया होगा। अभी हम यहाँ से भक्त निवास जाएंगे और वहाँ पे रूम्स चेक करेंगे कितने अवेलेबल है। आगे वाले वीडियो में शेगाव हो सके तो शेगाव का ब्लॉग करूँगा। तो आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जब भी सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, आने वाले वीडियोस और ब्लॉग्स रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो डोंट ड्रीम योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।